मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र स्थित राम जानकी मठ कंपाउंड मोहल्ले में रविवार रात एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर जुटे लोगों ने मामले की जानकारी सिकंदरपुर पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की छानबीन के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक 50 वर्षीय संजय कुमार गुप्ता थे, वह पेशे से ड्राइवर थे। बताया गया कि मृतक की पत्नी अनीता देवी घर की आर्थिक तंगी के कारण 10 दिन पूर्व से ही अपने बीमार बेटे युवराज और पति को छोड़कर कहीं चली गई, जिससे संजय को गहरा सदमा लगा। मृतक के बूढ़े माता पिता सिकंदरपुर में चल रहे राम कथा को सुनकर लौटे, तब छत पर जाने वाली सीढ़ी पर देखा तो मृतक गले में फंदा डालकर लटका हुआ था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को फंदे से उतारा। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक का फोटोग्राफर बेटा युवराज 11 जुलाई 2022 को सुसाइड की कोशिश किया था। उस वक्त उसने नगर थाना इलाके के पुराने बाजार स्थित किराए के मकान में सुसाइड की कोशिश कर चुका है। उसका इलाज जूरन छपरा स्थित निजी अस्पताल में करवाया गया था। घटना के बाद से वह अब तक बीमार है। बीमार बेटे के इलाज में खर्चा के बाद घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। दोस्तों के सहयोग से, सोशल मीडिया के सहयोग से आए चंदे से युवराज का इलाज चल रहा है। ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल भी भगवानपुर उसका भाई के घर में खोज के आया, आज भी खोजा, नहीं आता है तो उसको बड़ा सारू बोला कि जाओ भगवानपुर है ले आओ, बोला के गया नहीं आया। उन्होंने कहा गया ना क्या क्या बोलता है उसका बाप भाई के नहीं आया है, सब मिल के इसे घटना करवा के धर दिया हमको। कैसे पता चला कि ऊपर में कर लिया? हम तो बीमारी मालिक और बीमारी जाना था लखनऊ देखने, इसके भाग गया तो यही नहीं है। मनोज महिंदर रहे जो कॉलेज में रहता है उसके साथ में ही जाके देखा के आया था, फिर वो बोला कि चलो दीदी देखा लो, हम भाग गया तो कैसे देखा। हमको पता चला कि फांसी लगा लिया है, यही पता चला। अच्छा, जानता ही नहीं है। पहले इनका बेटा भी किए थे क्या? हाँ, इनका बेटा भी किया था, जो बेड पर पड़ा हुआ है। क्या युवराज नाम? युवराज नाम। अच्छा, चुपी। हाँ चुपी आप। हाँ, फिर उसके बाद ये पारिवारिक कलह में आके भी लगा लिया। मामला क्या है, किस कारण से फांसी लगाया है? मामला तो नहीं जानकारी है। पत्नी कहाँ है इनकी? पत्नी नहीं, 10 दिन से गायब है। गायब है ना? 10 दिन से नहीं है। क्या करें? मैंने मैके चली गई है कि कहीं और चली गई है? अब कहाँ गई से तो नहीं पता। चली क्या काम कौन सा करते थे? वो गाड़ी चलाता था, वो उनका पिताजी जो डेट कर गया। पारिवारिक कला है ना? हाँ, पारिवारिक कला है। बेटा ही पहले क्या था? युवराज। हाँ, युवराज। उसके बाद आज ये कर ली जी। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राजू। सर क्या सूचना थी? सूचना थी कि एक आदमी गला में फंदा लगा लिया है। सर एक बार जी आगे आगे आके इनका डेड बॉडी को ले जा रहे हैं, इंक्वेस्ट डेड बॉडी चालान बना के पोस्टमार्टम कराने के लिए। जांच में जो आएगा उसका किया जाएगा। मृतक की क्या पहचान है? मृतक की पहचान मतलब उनका नाम बता रहा हूँ, नाम है संजय कुमार गुप्ता, पिता वेद प्रकाश गुप्ता, साथी राम जानकी मंदिर कैंपस आधार कार्ड वार्ड नंबर 15 थाना नगर सिकंदरपुर। क्राइम सीन देखे हैं क्या? कुछ पता चला है देखने? क्राइम सीन गला में फंदा लटका हुआ है, इसका जांच कर रहे हैं। क्या एल्वेस्टर्स वगैरह में, ऊपर में, छत पे? पाइप पे। पाइप पे। इसका बेटा पहले भी किया था सुसाइड वगैरह प्रयास किया था? पुराना नहीं। आगे कार्रवाई जारी? हाँ, जांच कर रहे हैं, जांच में जैसा आएगा वैसा करेंगे।